जय हिंद बच्चों एंड गुड इवनिंग। फटाफट आप सारे बच्चे लाइव आ जाएं, जल्दी जल्दी आप सारे लोग लाइव आ जाएं। सेशन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। फटाफट लाइव आ जाएं आप सारे बच्चे। फटाफट लाइव आ जाएं आप सभी बच्चे, जल्दी जल्दी। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स आर अनाउंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन एड फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड तुर्की। विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की को कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1.50 बिलियन, बी 1.20 बिलियन डॉलर, सी 1.78 बिलियन डॉलर एंड डी 2.0 बिलियन डॉलर। तुर्की में हाल ही में बच्चों अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक से वहां पे काफी जनधन की हानि हुई, जिसके कारण विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तुर्की को जो है कुछ सहायता राशि दी गई है। अब वो सहायता राशि कितनी है ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए 1.50 बिलियन, बी 1.20 बिलियन, सी 1.78 बिलियन एंड डी 2.0 बिलियन। 2.0 बिलियन। तो चलो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा सी 1.78 बिलियन। 1.7 बिलियन डॉलर विश्व बैंक ने भूकंप से प्रभावित तुर्की को देने का प्लान किया है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 1.78 बिलियन डॉलर। तुर्की में आए भूकंप के कारण जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से बाहर आने के लिए एक राशि, सहायता राशि दी गई है 1.78 बिलियन डॉलर। चलो बच्चों, इससे संबंधित आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में अगर आप आएंगे, द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड फाइनेंशियल एड ऑफ 1.78 बिलियन डॉलर टू प्रोवाइड रिलीफ एंड रिकवरी फॉर अर्थक्वेक हिट तुर्की। द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन साउथ ईस्टर्न तुर्की एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। भूकंप से दक्षिण पूर्वी तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक क्षति हुई। बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव डैमेज असेसमेंट हैज आल्सो बीन इनिशिएटेड टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजास्टर एंड आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज इन तुर्की। आपदा जोखिम प्रबंधन विश्व बैंक के व्यापक अनुभव के आधार पर आपदा की भयावहता का अनुमान लगाने और तुर्की में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक प्रभावी क्षति मूल्यांकन भी शुरू किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे, थ्रू कॉन्टिंजेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट CERC 780 मिलियन डॉलर्स हैव बीन ऑफर्ड इन इमीडिएट असिस्टेंस। आकस्मिक आपातकालीन प्रतिक्रिया घटकों के माध्यम से तत्काल सहायता में
780 मिलियन डॉलर की पेशकश की गई है। ऑपरेशन फ्रेंड के तहत भारत भी तुर्की की मदद कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना है कि जो तुर्की में अर्थक्वेक आया उसके संदर्भ में भारत के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फ्रेंड। ऑपरेशन फ्रेंड के तहत जो है भारत के द्वारा तुर्की के लोगों की मदद की जा रही है। इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है विच इंडियन एथलीट वन गोल्ड इन द शॉर्ट पुट इवेंट एट द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए तजिंदर पाल सिंह तुर, बी ऑप्शन विकास गौड़, सी ऑप्शन प्रदुमन सिंह बराड़ एंड डी ऑप्शन मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर। तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट आपसे आपको जवाब करना है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट स्पर्धा में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता। तजिंदर पाल सिंह तुर, उसके अलावा विकास गौड़ा, प्रदुमन सिंह बराड़ एंड डी ऑप्शन मनप्रीत कौर। फटाफट आंसर करते चले आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्या उत्तर होगा बच्चों, फटाफट जवाब देते चले आप लोग। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन तजिंदर पाल सिंह तुर। तजिंदर पाल सिंह तुर के द्वारा एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट स्पर्धा में इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। ये जो है इमेज दिख रहा है आपके सामने तजिंदर पाल सिंह तुर का, इनके द्वारा एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए गुलाब चंद कटारिया, बी ऑप्शन फागु चौहान, सी ऑप्शन रमेश बैस एंड डी ऑप्शन डॉक्टर बी डी मिश्रा एंड डी ऑप्शन डॉक्टर बी डी मिश्रा। फटाफट आप लोग जवाब करते चले किसे जो है लद्दाख का, किसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ए गुलाब चंद कटारिया, बी फागु चौहान, सी रमेश बैस एंड डी डॉक्टर बी डी मिश्रा। डॉक्टर बी डी मिश्रा। तो चलो बच्चों इसका सही उत्तर होगा डी डॉक्टर बी डी मिश्रा। डॉक्टर बी डी मिश्रा जो है सही उत्तर होगा तीन का डी ऑप्शन। तीन का डी ऑप्शन जो है सही होगा, बी डी मिश्रा सही उत्तर होगा। बी डी मिश्रा को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो है उपराज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थ्री का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आइए इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। इन अ मेजर रेस फुल इन 12 स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड बिहार इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट न्यू गवर्नर। 12 राज्यों में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और बिहार में जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है 12 गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए और इनका फेर बदल किया गया। ऑल्सो डॉक्टर बी डी मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ब्रिगेडियर रिटायर, ये जो है ब्रिगेडियर से रिटायर्ड है, इनको जो है बी डी मिश्रा को लद्दाख का जो है न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। नेक्स्ट द बेंच टू हियर एंड प्रोनाउंस द वर्डिक्ट इन द अयोध्या केस। मेंबर जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। अयोध्या केस में शामिल जस्टिस जो रिटायर्ड हैं एस अब्दुल नजीर को जो है आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। एस अब्दुल नजीर जो अयोध्या केस में शामिल थे, जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर जो है इनको आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर बनाया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे, मोर ओवर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार के नए गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को बनाया गया।
एंड वेयर एज रमेश बैस इज द न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। रमेश बैस को जो है महाराष्ट्र का गवर्नर अपॉइंट किया गया, महाराष्ट्र का गवर्नर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है हु वन द मेंस रिकर्व टाइटल इन द नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुषों का रिकर्व खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए अतनु दास, बी ऑप्शन तरुणदीप राय, सी ऑप्शन प्रवीण जाधव एंड डी ऑप्शन पार्थ सालुंखे, एंड डी ऑप्शन पार्थ सालुंखे। राष्ट्रीय रैंकिंग तीर अंदाजी टूर्नामेंट में पुरुषों का रिकर्व खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए अतनु दास, बी तरुणदीप राय, सी प्रवीण जाधव एंड डी पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुषों का रिकर्व खिताब किसने जीता? चलो बच्चों इसका सही उत्तर होगा तरुणदीप राय। तरुणदीप राय के द्वारा जो है ये तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है पुरुषों के ग्रुप में जीता गया। इस प्रकार फोर का बी ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर फोर का बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है विच इंग्लैंड प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? ए बेन स्टोक्स, बी जॉस बटलर, सी यॉन मॉर्गन एंड डी जो रूट। इंग्लैंड के कौन से क्रिकेट प्लेयर के द्वारा हाल ही में रिटायरमेंट का अनाउंस किया गया? इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, यॉन मॉर्गन एंड जो रूट। तो इसका सही उत्तर हुआ यॉन मॉर्गन। यॉन मॉर्गन ने जो है क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का घोषणा किया और पांच का सी ऑप्शन सही होगा। यॉन मॉर्गन जो है इंग्लैंड टीम के कैप्टन भी थे और इनके कैप्टनसी में इंग्लैंड टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीती। तो ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें जो है पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। इसने जो है फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराया था, उसमें कप्तान जो है यॉन मॉर्गन ही थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फाइव का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, इनसे संबंधित आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इट केम टू लाइट दैट फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन यॉन मॉर्गन रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट ऑन February 13, 2023। He posted a tweet stating that after much deliberation, I believe that। उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए कहा कि काफी सोच विचार के बाद मुझे ऐसा विश्वास है कि हमको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। Now is the right time to step away from the game that has given me so much over the years. I will undoubtedly miss the thriller and challenges of playing professional cricket. अब उस खेल से हटने का सही समय है जिसने मुझे इतने वर्षों में इतना कुछ दिया। निसंदेह पेशेवर क्रिकेट खेलने के रोमांच और चुनौतियों को याद करूंगा। तो कहने का मतलब उन्होंने एक भावुक मैसेज ट्वीट किया और कहा कि मैं इस प्रोफेशन को मिस करूंगा, लेकिन अब वो समय आ गया है जिसमें इस चैलेंज में या इस क्रिकेट के गेम में मैं फिट नहीं बैठता, इसलिए हमको रिटायरमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप आएंगे, मॉर्गन गेव इंग्लैंड 50 ओवर्स इन 2019 व्हिच लेड टू अ ट्रिमेंडस विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप। 2019 पुरुषों के ओडीआई वर्ल्ड कप में जो है इनके कप्तानी में, इनके कैप्टनसी में इंग्लैंड जो है विश्व विजेता बना।
He played for England and marked a record of 126 ODIs and 72 T20s of captaincy. England की तरफ से इन्होंने एक captaincy करने का record बनाया, जिसमें 126 वनडे में इन्होंने captaincy किया और 72 T20 कप्तानी का record इन्होंने बनाया England के लिए. It is also a record that he has led England to victory in 118 matches as a captain in both formats. इन्होंने इंग्लैंड के लिए एक और रिकॉर्ड बनाया जीतने का रिकॉर्ड, जिसमें जो है इंग्लैंड के लिए उन्होंने 118 मैच में कैप्टेंसी की और विक्ट्री किया, जीत हासिल करी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच टीम बॉट इंडियाज स्टार बैट्समैन स्मृति मंदाना इन द फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन. भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना को पहली महिला प्रीमियर लीग नीलामी में किस टीम ने खरीदा? ए दिल्ली कैपिटल्स, बी यूपी वॉरियर्स, सी मुंबई इंडियंस एंड डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर. एंड डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर. फटाफट आप लोग आंसर करते चले. हाल ही में वुमेन प्रीमियर लीग के नीलामी में ऑक्शन में स्मृति मंदाना को कौन से टीम या कौन से फ्रेंचाइजी के द्वारा खरीदा गया? दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलोर. तो स्मृति मंदाना को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या आरसीबी के द्वारा जो है ऑक्शन में खरीदा गया. और स्मृति मंदाना इस ऑक्शन में सबसे महंगी प्लेयर बनी, सबसे महंगी प्लेयर. तो सबसे महंगे रेट पे इनकी बोली लगी और इनको जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से जो है खरीद लिया गया. ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए कैप्टेंसी करेंगी और ये 4 मार्च से जो है WPL स्टार्ट हो रहा है, वुमेन प्रीमियर लीग. चलिए भाई, इस प्रकार 6 का डी ऑप्शन होगा. इससे संबंधित आइए कुछ पॉइंट देखते हैं. द फर्स्ट WPL ऑक्शन 2023 इज अंडर वे एट द JIO कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई. इसका आयोजन जो है JIO कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया. उसके अलावा इंडिया स्टार बैट्समैन स्मृति मंदाना वाज बॉट बाय रॉयल चैलेंजर बेंगलोर फॉर 3.40 करोड़. इनको जो है 3.40 करोड़ रुपीज में जो है खरीदा गया. ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम हरमनप्रीत कौर वाज बॉट बाय मुंबई इंडियंस फॉर 1.80 करोड़. हरमनप्रीत कौर जो प्रेजेंट में वर्तमान में इंडियन टीम की कैप्टन है, उनको जो है मुंबई इंडियंस ने 1.80 करोड़ रुपए में खरीदा. नेक्स्ट चलते हैं. द फर्स्ट सीजन ऑफ द वुमेन्स प्रीमियर लीग विल बी प्लेड इन मुंबई बिटवीन March 4 and March 26. तो जो WPL का आयोजन किया जाएगा वो 4 मार्च से 26 मार्च के बीच 2023 में किया जाएगा. इन विच 22 मैचेज इन टोटल विल बी प्लेड. इसके अंतर्गत 22 मैचेज जो है खेले जाएंगे. दीज मैचेज विल बी ऑर्गेनाइज एट ब्रेबोर्न स्टेडियम एज वेल एज DY स्टेडियम. तो जो है मैक्सिमम मैचेज जो है ये मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम और DY स्टेडियम में किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है PM मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एरो शो एरो इंडिया 2023, व्हाट इज इट्स थीम. PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया. इसकी थीम क्या है? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, एरो शो फॉर बिलियन अपॉर्चुनिटीज, सी द रनवे ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड डी ट्रेड एक्सपो एंड डिफेंस एक्सपो शो. 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि एरो इंडिया 2023 जिसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, एरो इंडिया 2023 का थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? थीम ए द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, बी एरो शो फॉर बिलियन अपॉर्चुनिटीज, सी द रनवे ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड डी ट्रेड एक्सपो एंड डिफेंस एक्सपो शो. एंड डिफेंस एक्सपो शो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर करे कि एरो इंडिया 2023 का थीम क्या है,
जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बच्चों सही होगा। द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, यह इसका जो है थीम है एरो इंडिया 2023 का। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा। आइए इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में 14वें संस्करण, 14वें एयर इंडिया 2023 का इनॉग्रेशन या उद्घाटन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। सेकेंड, इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी लेड द गुरुकुल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फ्लाई पास्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द मेगा एयर शो। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने मेगा एयर शो के उद्घाटन समारोह में फ्लाई पास्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किया, गुरुकुल गठन का जो है नेतृत्व किया। नेक्स्ट चलते हैं भाई। इसके अलावा अगर आप आएंगे मेगा शो में 731 अधिकारी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 633 घरेलू और 98 भारतीय हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO, द थीम ऑफ एरो इंडिया 2023 इज द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। यह जो है PMO के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जो है एरो इंडिया 2023 का थीम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और रिलेटेड टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो भारत की जलवायु से संबंधित है, भारत की जलवायु से संबंधित। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। ए है वनली वन, बी है वनली सेकेंड, बी सी है बोथ वन एंड टू, एंड डी है नाइदर वन एंड नॉट टू। आइए फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट कह रहा इट हैज ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। ये भारत के क्लाइमेट के बारे में विचार करने के लिए कह रहा है कि इट हैज ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसमें उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है, एक स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा, अल्टरनेटिंग सीजन्स इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज क्लाइमेट, बदलते मौसम भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। देखिए एक प्रकार अगर आप आएंगे तो भारत का जो मानसून है वो ट्रॉपिकल मानसून है। कैसा है भाई? ट्रॉपिकल मानसून है। यह जो है उष्णकटिबंधीय, भारत का कुछ क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है ट्रॉपिकल, और कुछ जो है सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, कुछ सब ट्रॉपिकल एरियाज में आता है। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट सही है, भारत का मानसून जो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। उसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ का सीजन जो है बदलते रहता है, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे गर्मी, ठंडी, बरसात, स्प्रिंग मौसम, ये सारे मौसम आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा, बोथ वन एंड टू। बोथ वन एंड टू आर स्टेटमेंट इज राइट। तो इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और रिलेटेड टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है। वो कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, जिसमें ऑप्शन दिया है लैटिट्यूड अक्षांश, सेकेंड दिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र से दूरी। आपको सही कथन की पहचान करनी है, वनली वन, वनली सेकेंड, बोथ वन एंड टू, एंड सी नाइदर वन एंड नार टू। फटाफट आप लोग आंसर करते चलें कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस
फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, क्या ये दोनों प्रभाव अफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट को? तो यस, ये दोनों प्रभाव इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही है। लैटिट्यूड भी प्रभावित करता है, उसके अलावा समुद्र से दूरी बढ़ते जाएंगे तो ये भी क्लाइमेट को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे भारत की उत्तरी सीमाएं परिभाषित किया गया है? ए हिमालयन माउंटेन रेंज, बी काराकोरम रेंज, सी अरावली रेंज एंड डी सतपुड़ा रेंज। एंड डी सतपुड़ा रेंज। कह रहा है भारत की उत्तरी सीमाएं किसके द्वारा परिभाषित होती हैं या नॉर्थ फ्रंटियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिमालयन माउंटेन रेंज, बी काराकोरम रेंज, सी अरावली रेंज एंड डी सतपुड़ा रेंज। तो बच्चों अगर आप आएंगे तो भारत के नॉर्थ में, उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको हिमालयन रेंज मिलेगा, और ये हिमालयन रेंज का जो है इंडियन क्लाइमेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन क्लाइमेट के लिए या भारतीय जलवायु के लिए, जिसमें आप देखेंगे यही हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जब भारत में मानसून का प्रवेश होता है, तो यह जो है मानसून के प्रवेश का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हिमालय, जैसे ही बे ऑफ बंगाल ब्रांच की मानसून हवाएं भारत में इसलिए इंटर करती हैं कि जब नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहुंचती हैं तो वहां पे हिमालयन क्षेत्र का विस्तार है, और वो हिमालय क्षेत्र जो है इन इन मानसूनी हवाओं को चाइना में नहीं जाने देती, क्योंकि उनका क्षेत्र ऊंचा है, तो ऊंचा होने के कारण ये जो है इंडिया की ओर उसको डाइवर्ट कर देती हैं, जिसके कारण जून जुलाई में आप देखते हैं कि बारिश होती है। तो मानसून, भारत में मानसून आने का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि हिमालय माउंटेन रेंज। उसके अलावा ठंडी के मौसम में अगर आप देखेंगे तो भारत का जो मौसम है या जो भारत में जो टेम्परेचर है उतना नीचे नहीं आ पाता, क्योंकि हिमालयन रेंज जो है रसिया की साइबेरियन क्षेत्र की ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोक देती है। तो इस प्रकार हिमालय का इम्पोर्टेंट दो रूपों में जाना जाता है, एक तो भारत को ना तो ज्यादा ठंडा होना देता है और दूसरा भारत में मानसून के प्रवाह को क्या करता है, ये कंट्रोल कर देता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 10 का ए ऑप्शन सही होगा। काराकोरम रेंज भी भारत के नॉर्थ में है लेकिन ये हिमालयन रेंज का पार्ट है, इसलिए सही उत्तर ये नहीं होगा। अरावली रेंज जो है ये आपको इंडिया के वेस्ट में मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में, जहां पर ये आपको गुजरात से लेकर, गुजरात में अहमदाबाद से लेकर नई दिल्ली तक मिलेगा, और अरावली रेंज का जो है हाइएस्ट पीक है गुरु शिखर हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है एक ओल्ड रेंज है, एक ओल्डेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड। तो यह जो है वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा रेंज अगर आप जाएंगे तो यह जो है सतपुड़ा रेंज आपको अरावली रेंज के साउथ ईस्ट में मिलेगा, साउथ ईस्ट में अरावली रेंज का भी, सॉरी अरावली रेंज के साउथ ईस्ट में आपको सतपुड़ा रेंज का विस्तार मिलेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया, भारत में निम्न में से कौन सा सबसे उच्चतम बिंदु है? ए माउंट एवरेस्ट, बी दोदा बेटा, सी कंचनजंगा एंड डी जॉर्ज एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट। फटाफट जवाब देते चले, भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, कौन सा सबसे उच्चतम बिंदु है? देखो बच्चों अगर आप आओगे ऑप्शन के अनुसार तो भारत का सबसे उच्चतम बिंदु कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है ये आपको सिक्किम में मिलेगा, कहां पे मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, ये भारत का सबसे ऊंचा बिंदु है। लेकिन अगर इसमें माउंट केटू दिया रहता तो वो जो है सबसे ऊंचा हो जाता, माउंट केटू।
माउंट केटू या गॉडविन आस्टिन जो है भारत का सबसे ऊंचा बिंदु है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन में जो है कंचनजंगा दिया है, तो ये है। जबकि माउंट एवरेस्ट जो है ये आपको नेपाल में मिलेगा, ये भारत का नहीं है, ये नेपाल में मिलेगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट। तो इस प्रकार सेकेंड सबसे ऊंचा कौन सा होगा, माउंट केटू, और थर्ड जो है कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा जो है ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए कंचनजुंगा सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन, 11 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और रिलेटेड टू द नॉर्दर्न माउंटेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो उत्तरी पर्वतों से संबंधित है, मतलब ये हिमालय क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फटाफट जवाब करते चले आप सारे बच्चे। हिमालय क्षेत्र से संबंधित जो है क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो उत्तरी पर्वतों से संबंधित है। एक नंबर स्टेटमेंट, अ ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन्स कंसिस्टिंग ऑफ द हिमालयाज ऑफ नेपाल, हिंदू कुश एंड पटकई रेंज डिफाइन द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहाड़ों का एक बड़ा चाप आकार का, जिसमें नेपाल का हिमालय, हिंदू कुश और पटकई पर्वत शामिल हैं, उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप को परिभाषित करते हैं। एक नंबर स्टेटमेंट। उसके अलावा अगर आप पाएंगे नेक्स्ट, द माउंटेन इन दीज रेंजेज इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड टालेस्ट माउंटेन्स विच एक्ट एज द नेचुरल बैरियर टू कोल्ड पोलर विंड्स। इन श्रेणियों के पहाड़ों में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ शामिल हैं जो ठंडी ध्रुवीय हवाओं के लिए एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। तो देखो भाई, ये दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। इसके अंतर्गत जो है आपको नेपाल का हिमालय, हिंदू कुश, पटकई पर्वते शामिल है, तो एक नंबर स्टेटमेंट भी सही है, और उसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि माउंटेन, हिमालय माउंटेन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ शामिल हैं, और यह जो है रशिया के या साइबेरिया के ठंडी ध्रुवीय हवाओं को आने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उसके लिए ये प्राकृतिक बाधा के रूप में है। इसके कारण जो है भारत का जो क्लाइमेट है वो उतना ठंडा नहीं हो पाता, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन अगर आप आएंगे तो सी ऑप्शन सही होगा, बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट सही होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर सैफ्रॉन कल्टीवेशन। जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पेम्पोर, कश्मीर, जम्मू काठुआ। जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट आंसर करते चले बच्चों, जल्दी जल्दी आप सारे बच्चे जवाब दें। जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पेम्पोर, कश्मीर, जम्मू एंड काठुआ। आशीष तिवारी, ये देखिए किसी बच्चे ने आपका कमेंट किया है 16:30 से 17:30, आप फॉर्म भर सकते हैं। आशीष पांडे और
अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लें। ये आपके सामने जो है नंबर दिख रहा है, नंबर आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा है, आप उस नंबर पे इंफॉर्मेशन ले लें। ओके, आपको हमसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे लीजिए। ये सारी जानकारी आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मैनेजमेंट से दिया जाएगा। आप बात कर लें, नंबर आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा है। चलो बच्चों फटाफट जवाब दे, जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट आंसर करते चलें। सिजुकामोन बी ऑप्शन। और भी बच्चे जवाब करें फटाफट। जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थान सैफ्रॉन कल्टीवेशन या केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्पोर, कश्मीर, जम्मू, काठुआ। तो पेम्पोर जो है यह सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार 13 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू विंध्य रेंज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो विंध्य श्रेणी से संबंधित है। विंध्यन रेंज के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विंध्यन रेंज के बारे में आप सही कथन की पहचान करें। एसएम क्रिएशन डी ऑप्शन। चलो बच्चों फटाफट आप आंसर करते चलें। क्वेश्चन नंबर 14, भौगोलिक रूप से उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है, ज्योग्राफिकली सेपरेट नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम सदर्न इंडिया। तो ये स्टेटमेंट 100% सही है। आपको पता है हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन श्रेणी, ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करने वाली जो श्रृंखला है उसको हम लोग विंध्यन रेंज बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही। स्टेटमेंट 2, द वेस्टर्न एंड ऑफ द रेंज लाइज इन ईस्टर्न गुजरात नियर इट्स बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश एंड रन्स ईस्ट एंड नॉर्थ ऑलमोस्ट मीटिंग द गंगा एट मिर्जापुर। श्रेणी का पश्चिमी छोर पूर्वी गुजरात में मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा के पास स्थित है और पूर्व और उत्तर में लगभग मिर्जापुर से गंगा से मिलता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है इसका, सही है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ वन एंड टू ये स्टेटमेंट सही होगा। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दक्कन के पठार से संबंधित, यह जो है डेक्कन प्लेटू के बारे में पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1, इट इज ए लार्ज ट्रायंगुलर प्लेटू बाउंडेड बाय द विंध्याज टू द नॉर्थ एंड फ्लैंक बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। यह एक बड़ा त्रिकोणीय पठार है जो उत्तर में विंध्य से घिरा है और पूर्व और पश्चिम में घाटों से घिरा है। इट स्लोप्स जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड गिव्स राइज टू सेवरल पेनिनसुलर रिवर्स सच एज द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी एंड द महानदी विच ड्रेन इंटू द बे ऑफ बंगाल, तो दोनों स्टेटमेंट अगर आप आएंगे तो देखिए इसका जो शेप है लार्ज आपको मिलेगा ट्रायंगुलर प्लेटू के रूप में है और यह जो है उत्तर में विंध्यन रेंज से घिरा है, उसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी घाटों से ये घिरा हुआ है। तो इस प्रकार अगर आपको याद होगा मैप के बारे में तो ये जो है यहीं पे आपको मिलेगा डेक्कन प्लेटू और ये इस रीजन में यहाँ पे आपको मिलेगा विंध्यन रेंज और ये जो है वेस्टर्न घाट और ये जो है ईस्टर्न घाट। तो नॉर्थ में ये विंध्यन रेंज से घिरा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट में आप ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट 1 सही है और 2 स्टेटमेंट भी सही है। इसी रीजन से कावेरी
गोदावरी कृष्णा नदियों का जो है ड्रेनेज है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 15 का स्टेटमेंट वन और सेकेंड दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर होगा बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू जो है सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार 15 का सी ऑप्शन सही होगा, 15 का सी ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के बारे में सही है, कौन से स्टेटमेंट उच्च न्यायालय के बारे में सही है। इट हैज ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, इसका मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इट इंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आनंद यह लेता है, या इसके पास जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। सी ऑप्शन, इट एक्ट एज द कोर्ट ऑफ लॉ, यह कानून की अदालत के रूप में कार्य करता है। डी ऑल ऑफ द एबव, देखो बच्चों इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। यह इसके पास ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, यह जो है जुडिशियल रिव्यू को इंजॉय करता है, इसके पास पावर है ये। यह जो है इट एक्ट एज द कोर्ट ऑफ लॉ, यह जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑल द एबव, उपरोक्त सभी स्टेटमेंट हाई कोर्ट से संबंधित सही दिए गए हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। ए 25, बी 21, सी 28 एंड डी 29, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो बच्चों भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है 25, 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं वर्तमान में। इस प्रकार उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 है, इसका जो है 17 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ए 214, बी 217, सी 226 एंड डी 216, एंड डी 216। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दिए गए ऑप्शन में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। 214, 217, 226, 216। तो इसका सही उत्तर होगा 217, आर्टिकल 217 में अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, और इन जजेस का अपॉइंटमेंट अगर आप आएंगे तो हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एंड अदर जज होते हैं, अदर जज, तो अन्य न्यायाधीश और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से मिलकर क्या बनता है, हाई कोर्ट बनता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, एडवाइस ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एडवाइस ऑन गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ रिलेटेड हाई कोर्ट, तो जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए गवर्नर से सलाह लिया जाएगा।
उसके अलावा जो सारे जज होते हैं, अदर जज होते हैं उस हाई कोर्ट में, उनको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेकर चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो इस प्रकार 18 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा हाई कोर्ट इशू रीट्स अंडर आर्टिकल्स, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। सब पढ़ाया गया है, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रीट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका 19 का डी ऑप्शन सही होगा। 19 का डी ऑप्शन बच्चों सही होगा। 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में, जब किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रेमेडीज प्रदान करता है, उपचार प्रदान करता है, वो रीट जारी करता है। तो इस प्रकार 19 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हरप्पन पीपुल्स इज इनकरेक्ट। हड़प्पा लोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। ए द हरप्पन्स वेयर फ्लोस वर्शिपर्स, हड़प्पा वासी लिंग के उपासक थे। बी दे वर्शिप्ड गॉड इन द फॉर्म ऑफ हनुमा ह्यूमन बींग्स, वे मनुष्यों के रूप में देवताओं की पूजा करते थे। सी ऑप्शन दे प्लेस डियर गॉड्स एंड टेम्पल्स, उन्होंने अपने देवताओं को मंदिरों में रखा। डी ऑप्शन दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टाइल गुडेस, वे पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में देखते थे। देखिए बच्चों इसका ए स्टेटमेंट भी सही है, बी स्टेटमेंट भी सही है, डी स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो गलत स्टेटमेंट इसका सी होगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सी ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वैदिक आर्यन इज इनकरेक्ट। ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए वी डू नॉट फाइंड एनी ट्रेस ऑफ विडो री मैरिज इन द ऋग्वैदिक पीरियड, हमें ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का कोई निशान नहीं मिलता है। बी ऑप्शन We have some indications of polyandry in this period. इस अवधि में बहुपतित्व के कुछ संकेत हैं। C option. There are no examples of child marriage in this period. इस काल में बाल विवाह के कोई उदाहरण नहीं मिलते। And D. The practice of levirate was known. Levirate की प्रथा ज्ञात थी। तो देखिए इसका बी सी डी तीनों स्टेटमेंट सही है और ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ए इसका नॉट करेक्ट होगा, ए सही उत्तर होगा। वी डू नॉट फाइंड एनी ट्रेस ऑफ विडो रीमैरिज इन द ऋग्वैदिक पीरियड, देखिए ऋग्वैदिक पीरियड में जो है विडो के रीमैरिज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि देखिए यहीं पे स्टेटमेंट बहुपतित्व के कुछ संकेत मिले हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों रोज की भांति हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ ट्रेडिशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
जिसमें आज हम लोगों ने ज्योग्राफी के कुछ मानसून से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए, हिस्ट्री के कुछ हड़प्पा और ऋग्वैदिक काल से सॉल्व किए, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। तो बच्चों आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक, थैंक यू एंड जय हिंद। क्या हो भैया?